अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि रमज़ानुल मुबारक में अहदीस मुबारका में आता है कि शयातीन जकड़ लिए जाते हैं। दर्जा सही की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है रमज़ानुल मुबारक की एक फजीलत के ज़मन में कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ लिए जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब शयातीन कैद कर लिए जाते हैं तो फिर रमज़ानुल मुबारक में लोग गुनाह क्यों करते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके उलमा ने बहुत सारे जवाब दिए। देखिए, रमज़ानुल मुबारक के दौरान कैद किए जाने वाले शयातीन के बारे में दो रिवायतें आती हैं। एक रिवायत तो ये आती है जो सही मुस्लिम की रिवायत मैंने आपके साथ शेयर की, फिर एक और रिवायत आती है जिसमें जो सरकश जिन शयातीन हैं इनके जकड़े जाने का जिक्र है, जो तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, इब्ने माजा की रिवायत है, वो भी दर्जा सही की रिवायत है। तो एक में सिर्फ शयातीन का जिक्र है और एक में सरकश शयातीन का जिक्र है। तो जन्नत के दरवाज़े खोले जाना ये तो रहमत है अल्लाह की, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाना ये भी रहमत है अल्लाह की, और शयातीन का जकड़े जाना तो फिर गुनाह क्यों होते हैं। तो इस पर उलमाए कराम बयान करते हैं कि यहाँ मुराद या तो ये है कि सिर्फ सरकश शयातीन जो हैं वो जकड़ लिए जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर मुसलमानों पर इन्फ्लुएंस करने वाले जो बड़े बड़े सरकश शयातीन हैं उनका इन्फ्लुएंस मुसलमानों पर कम हो जाता है। एक तो इस पर यह मौक़िफ़ बयान किया जाता है, इसलिए ओवरऑल गुनाह की तरफ रग़बत कम नज़र आती है ओवरऑल, और छोटे मोटे जो शयातीन हैं वो अपना काम करते रहते हैं, वसवसे डालते रहते हैं, और जो उनके वसवसों में फंस जाता है, जिसका नफ्स बहुत कमज़ोर होता है, फिर वो गुनाह करता है और कभी कभी गुनाह कबीरा भी करता है और गुनाह सगीरा भी करता है। और बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है कि तमाम शयातीन जकड़ लिए जाते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर गुनाह क्यों होते हैं। गुनाह इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे साथ एक नफ्स भी तो लगा हुआ है। तमाम गुनाह शयातीन ही की वजह से तो हम नहीं करते ना, शयातीन तो सिर्फ वसवसा डालते हैं। गुनाह तो हम करते हैं क्योंकि हमारे नफ्स में भी एक शदीद बिगाड़ पैदा हो चुका है। वो जो 11 महीने शैतान की तरबियत में रहते हैं तो उसका असर तो होगा ना। इसको किसी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, दो मिसालें मैं देता हूँ। एक तो यह है कि अगर आप कोई मोटर चलाए ना तो मोटर बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक मोटर गर्म रहती है, तो जो शयातीन की सोबत है, गुनाहों की सोबत है, वो शयातीन के जकड़े जाने के बाद भी जो नफ्स पर असरअंदाज होती है उस सोबत का असर तो बाकी रहता है। दूसरी इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि आप एक मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, आप उसे चार्ज से निकाल भी दें तो जितनी बैटरी है तब तक तो चलता रहेगा, तो ये नफ्स चार्ज हो चुका है, इसके सुधार में वक्त लगेगा। और कभी कभी हम रमज़ान में भी इसकी सुधार पर मेहनत नहीं करते बल्कि इसके बिगाड़ को बरकरार रखते हैं। यही नतीजा है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी बहुत सारे लोग गाली गलौज भी करते हैं, लान तान भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, फसाद भी लगाते हैं, कत्ल भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, लूट मार भी करते हैं, ज़खीरा अंदोजी भी करते हैं, आसानी के महीनों में दुकानों में प्राइसेस दुगनी तिगनी कर देते हैं, फलों की प्राइसेस आसमानों को छूने लगती हैं कि कोई आम आदमी तो ख़रीद के खा ही ना ले कहीं, कपड़ों के भी यही यानी आसानी के बजाय मुश्किलात कर देते हैं। ये भी तो एक नफ्स का हमला है ना कि ज़्यादा बटोर लो इनसे। अब तो ये जो हमारे नफ्स में ख़राबी है ये फिर खुलकर सामने आती है। तो अब ये जो वक्त है ना रमज़ानुल मुबारक का, इसमें ये खुलकर सामने आती है हमारी नफ्स की ख़राबी कि भाई शयातीन तो जकड़े हुए हैं, बाहर से वसवसे कम हो गए हैं, अब देखते हैं कि तुम जो गुनाह करते हो इसका वबाल सारा के सारा तुम्हारे सर है, तो अब इससे अंदाज़ा करो कि तुम्हारे नफ्स में खुद कितना बिगाड़ है, तुम्हारे नफ्स में खुद कितना बिगाड़ है, क्योंकि अब बाहर से अफेक्ट कम है। तो मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत यह है कि बाहर से इन्फ्लुएंस कम हो गया है। अच्छा, जो गैर मुस्लिम है वो तो हैं ही शैतान के दोस्त, क्योंकि वो तो काम ही गैर अल्लाह की इबादत का करते हैं, अल्लाह के अहकाम से इन्हिराफ करते हैं, तो वो तो हैं ही शैतान के चेले, वो तो काम ही शैतानी करते हैं, तो वो तो अपने काम में लगे हुए हैं,
उनके ऊपर तो वैसे भी शैतान को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, करता है उन पर भी, ये तो छोटे मोटे फिर रहे हैं वो इन पर असरअंदाज होते हैं। अगर वो छोटे मोटे अगर बाहर फिर रहे हैं, वो वाली तावील ले ली जाए हदीस मुबारका की, या उनके नफ्स तो इतने बिगाड़ के आदि हो गए हैं कि उनमें से खाल खाल जो कुछ खुदा तरस लोग हैं उनको छोड़कर उनके ऊपर तो कुफ्र और शिर्क की चादर पड़ी हुई है, वो तो बाज नहीं आते, वो तो अपने काम में लगे हुए हैं। इसीलिए क्या कहा अल्लाह ताला ने सूरतुन नास में कि मिनल जिन्नती वन नास, वसवसे डालते हैं वो जो इंसानों में से भी शयातीन है और जो जिनों में से भी शयातीन है। इसीलिए गुनाहों का बाजार तो गर्म रहते हैं क्योंकि हमारे नफ्स के अंदर जो बिगाड़ है, इन नफ्सल अमारतुम बिस्सू, के नफ्स तो बुराई की तरफ तुम्हें उभारता है, इसलिए तो उसे नफ्स अमारा कहते हैं। हाँ वो लोग बड़े अजीम होते हैं जो इसे तरक्की करा के नफ्स लवामा तक और फिर नफ्स मुतमईना तक ले जाते हैं, वो उनकी रियाजतें हैं, मेहनतें हैं। तो इसलिए शयातीन के जकड़ जाने से मुराद ये है। अब ये बात समझ में आ गई कि जब शयातीन जकड़े जाते हैं तो फिर गुनाह क्यों होते हैं, तो अब उसका वबाल हमारे नफ्स पर है, तो ये बेहतरीन वक्त है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अच्छा, तकवा इख्तियार करने का एक बहुत बड़ा ताल्लुक आपके नफ्स को मारने से, नफ्स को मारने से है। इसलिए नफ्स की एक चीज़ जो आप मारते हैं वो क्या है, वो कहता है मुझे खिलाओ, आप कहते हैं मेरा रब कहता है नहीं खाना, तो जब उसको आप मारते हैं ना तो वो कमज़ोर होता है, वो कहता है मुझे प्यास लगी है पानी पिलाओ, आप कहते हैं नहीं पिलाऊंगा मेरे रब ने मना किया है। तो ये तो उसकी जाहिरी मार हो गई, फिर बातिनी मार है, वहाँ हम मार खा जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो कहता है कि गुस्सा आया है गाली दो, आप कहते हैं गाली नहीं दूंगा, वो कहता है झगड़ा करो, आप कहते हैं झगड़ा नहीं करूंगा, वो कहता है तेरी अना पर हमला हुआ है, वो कहता है मैं तो अना मार चुका हूँ रब के लिए, वो कहता है झगड़ा कर, आप कहते हैं झगड़ा नहीं कर दो, कहता है तू तो बड़ा ताकतवर है, देख सामने वाला तो बड़ा कमज़ोर है, तू पिछाड़ देगा, आप कहो मैंने रब ने मना किया है, कहता हसद कर कहता नहीं करूँगा, चलन कर कहता नहीं करूँगा, कहता गीबत कर कहता नहीं करूँगा, तोहमत लगा कहता नहीं करूँगा। तो अंदर की भी इस्लाह हो रही है, नफ्स को अंदर से भी मार रहे हो, बाहर से भी मार रहे हो। अच्छा, शहवानी ख्वाहिश जो है ये भूख, इंसान का पेट भरा ना हो ना तो शहवानी ख्वाहिशात वैसी दम तोड़ जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो हर तरीके से, इसलिए कहा कि जो तुम्हारा रोज़ा है ना रमज़ान का, वो ढाल है गुनाहों से, इसे ढाल इसीलिए कहा गया है, ये अंदर बाहर दोनों तरफ से ढाल है, एक मजबूत किला है। अब वही इस किले में महफूज रहेगा जो वाकई किले में रहे और दरवाज़ा बंद कर ले, लेकिन जो किले में बैठ के दरवाज़ा खोल दे तो फिर तो आएंगी चीज़ें अंदर, फिर शोर करता फिरे कि अंदर क्यों आ गए, भाई तूने दरवाज़े ही बंद नहीं किए, तूने खुद दरवाज़े खुले रखे हैं, तेरा खुद मन किया कि मूवी देखते हैं, रोज़ा ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, वक्त गुजार लेना है ना, वक्त मूवी देख के गुजार लेते। अब तुम अपने नफ्स की सुन रहे हो, अपने रब की नहीं सुन रहे हो, तो फिर तकवा कैसे आएगा, फिर तो तुम चांद रात को मूवी की टिकटें ही खरीदोगे क्योंकि तुमने अपने नफ्स में सुधार पैदा ही नहीं किया। तो एक सवाल का जवाब तो आज ज़रा तवील दर्श करके मैंने इसलिए कर दिया कि ये बात समझ में आ जाए कि शयातीन जो जकड़े जाते हैं तो फिर गुनाह क्यों करते हैं हम, और गैर मुस्लिम क्यों गुनाह करते हैं, और मुसलमान गुनाह क्यों करते हैं, और फिर भी बुराई क्यों बरकरार रहती है। अब अगले दर्स में हम बात करेंगे कि अगर शयातीन जकड़े जाते हैं तो गजवाए बदर में जो रमज़ान के महीने में हुई, इबलीस कैसे पहुंच गया, तो अगले दर्स में इस पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।